हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मेडिकल इन्फो में। मैं आप सभी का दोस्त शिवम सैनी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टैबलेट्स के बारे में जो पुरुषों की सेक्स इच्छा बढ़ाने में काफ़ी मदद करता है। जी दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कॉन्फिडो टैबलेट्स के बारे में। इसका यूज क्या क्या होता है और इसका डोज कितना देना चाहिए तथा इसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं और इसका मार्केट में प्राइस कितना है और इसमें इंग्रेडिएंट्स क्या क्या मिले हुए हैं। दोस्तों, आज हम इसी बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अगर ये जानकारी आपको चाहिए तो बने रहिए हमारे वीडियो के लास्ट तक। और दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी नई नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों, चलिए इसमें वेस्ट न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हम सबसे पहले बात करते हैं कॉन्फिडो टैबलेट्स के मैन्युफैक्चरिंग के बारे में। दोस्तों, इसका निर्माण किस कंपनी द्वारा किया जाता है? दोस्तों, इसका निर्माण की बात की जाए तो हिमालय ड्रग्स कंपनी द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। तो हम बात करते हैं कॉन्फिडो टैबलेट्स के प्राइस एंड पैकेज के बारे में। दोस्तों, इसके पैकेज की बात की जाए तो इसमें एक पैकेज में 60 गोलियां होती हैं जो आपको मार्केट में 100 रुपये से 130 रुपये के बीच में मिल जाती हैं। दोस्तों, हम बात करते हैं कॉन्फिडो टैबलेट्स के इंग्रेडिएंट्स के बारे में। दोस्तों, इसमें क्या क्या मिला हुआ होता है? दोस्तों, इसमें अश्वगंधा, गोखरू, वन्य काहू, कपिकच्छू, जीवंती, स्वर्णवंग, सैलियम, सर्पगंधा, कोकिलाच्छा आदि तत्व इसमें मिले हुए होते हैं। दोस्तों, हम बात करते हैं कॉन्फिडो टैबलेट के यूज के बारे में। दोस्तों, इसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है? तो दोस्तों, इसका जो मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है वो पुरुषों में नपुंसकता को दूर करने में किया जाता है और दोस्तों, शुक्राणुओं की वृद्धि में, यौन इच्छा को बढ़ाने में, सुवन समस्या दूर करने में और दोस्तों, यदि आपके मूत्र मार्ग में विकार हैं तो उस कंडीशन में भी हम कॉन्फिडो टैबलेट का यूज कर सकते हैं। और दोस्तों, इसका उपयोग नाइट फॉल्स यानी कि यदि आपको स्वप्न दोष हो रहा है तो उस कंडीशन भी हम कॉन्फिडो टैबलेट्स का यूज कर सकते हैं। और दोस्तों, यदि किसी पुरुष का वीरपात जल्दी हो जाता है यानी कि वीर जल्दी निकल जाता है तो उस कंडीशन भी हम कॉन्फिडो टैबलेट्स का यूज कर सकते हैं। और दोस्तों, इसका उपयोग कैंसर में भी किया जाता है आदि इसके यूज होते हैं। दोस्तों, हम बात करते हैं कॉन्फिडो टैबलेट्स के डोज के बारे में। दोस्तों, इसका डोज कितना देना चाहिए? दोस्तों, इसके डोज की बात की जाए तो एक एक गोली सुबह शाम आप खाना खाने के बाद ले सकते हैं, लेकिन दोस्तों, इसका उपयोग आप दूध के साथ करते हैं तो और भी इफेक्टिवल हो जाता है। दोस्तों, बात करते हैं कॉन्फिडो टैबलेट के साइड इफेक्ट के बारे में। दोस्तों, इसके साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं? दोस्तों, इसके साइड इफेक्ट की बात की जाए तो ये एक नेचुरल प्रोडक्ट है जिसके बहुत ही कम साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। फिर भी दोस्तों, इसके कुछ साइड इफेक्ट होते हैं जैसे कि मतली होना, उल्टी हो जाना, सिर दर्द करना, अनिद्रा हो जाना, शरीर में असामान्य गतिविधियाँ होना, पेट दर्द होना, शरीर का गर्म हो जाना या शरीर पर लाल चकत्ते पड़ जाना आदि इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं हमें किस कंडीशन में कॉन्फिडो टैबलेट का यूज नहीं करना चाहिए। दोस्तों, यदि आपका रक्तचाप कम रहता है तो उस कंडीशन में कॉन्फिडो टैबलेट का यूज नहीं करना चाहिए। और दोस्तों, यदि आप पूरी तरीके से मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है तो उस कंडीशन में हमें कॉन्फिडो टैबलेट का यूज नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कुछ लोगों के सवालों के बारे में। दोस्तों, कुछ लोगों का सवाल होता है कि हम अपनी हालत में कितने दिनों में सुधार देख सकते हैं। तो दोस्तों, 2 से 3 दिनों में या 1 हफ्ते में आप अपनी हालत में सुधार देख सकते हैं। दोस्तों, कुछ लोगों का सवाल होता है क्या कॉन्फिडो टैबलेट लत बन सकता है? तो दोस्तों, कॉन्फिडो टैबलेट की लत नहीं लगती है। और दोस्तों, कुछ लोगों का सवाल होता है क्या कॉन्फिडो टैबलेट हम शराब के साथ ले सकते हैं? तो दोस्तों, कॉन्फिडो टैबलेट का उपयोग शराब के साथ नहीं करना चाहिए। और दोस्तों, कुछ लोगों का सवाल होता है क्या कॉन्फिडो टैबलेट हम खाली पेट ले सकते हैं? तो कॉन्फिडो टैबलेट का उपयोग हमें खाली पेट नहीं करना चाहिए। और दोस्तों, कुछ लोगों का सवाल होता है क्या ड्राइविंग करते समय या कोई मशीन चलाते समय हम कॉन्फिडो टैबलेट का यूज कर सकते हैं? दोस्तों, कॉन्फिडो टैबलेट लेने के बाद यदि आपको चक्कर आ रहे हैं, आपका सिर दर्द कर रहा है या आपको नींद आ रही है तो उस कंडीशन हमें ड्राइविंग या कोई मशीन चलाने से बचना चाहिए। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए तथा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।